कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलाकर जो है मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है मतदान का दिन है 30 तारीख, और काउंटिंग का दिन रहेगा 2 नवंबर। उसकी तैयारी हमारी पूरी है, पूरी तो पहले भी थी, और फाइनल टचेज आज जो है हमारी पोलिंग पार्टीज जो है डिस्पैच में लगे हुए हैं सारे SDM साहिबान। कुल मिला के 12,86,382 वोटर जो हैं मतदान के लिए उतरेंगे। उसमें मेल जो वोटर हैं 6,47,620, फीमेल वोटर 6,38,757, और थर्ड जेंडर रहेगा 5। तो ये सब मतदाता जो हैं वोटिंग के लिए उतरेंगे जो हैं परसों को मंडी पीसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लिए। मोटा मोटा जो सर्विस वोटर हैं हमारे पास टोटल 13,374 सर्विस वोटर रहेंगे हमारे पास। अब की बार जो है इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही मतलब अहम फैसला लेते हुए कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो भी 80 प्लस या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी थे या फिर जो है कोविड के कारण घर पर थे उन्हें सुविधा दी गई थी। पहले 6 दिनों के अंदर उन्होंने जो है अप्लाई करना था फॉर्म 12D के ऊपर। तो कुल मिला के हमारे पास 13,463 ऐसी एप्लीकेशन आई थी और जो कि मान्य पाई गई उनमें से कुल मिला के 8,969, ठीक है जी, 8,969 टोटल जो है पोस्टल बैलेट 12D फॉर्म के ऊपर इशू करे गए हैं। उनमें से 8,243 वोट पड़ भी चुके हैं और अभी हमारे पास आज का और कल का दिन है तो इसका डेटा भी हमारे पास अपडेट हो जाएगा। तो 80 प्लस वोटर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जो फॉर्म्स या ये कोविड वाले जो हमारे फॉर्म्स अपलोड हुए थे उनमें से 8,243 वोट अब तक पड़ चुके हैं, ठीक है जी। हाँ, पूरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का बता रहे हैं हम आपको। इसके बाद में टोटल हमारे पास जो है 2,365 पोलिंग स्टेशन रहेंगे हमारे पास, उसमें से 252 ऑक्सिलरी बने हैं और 2,113 जो है हमारे पास जो है नॉर्मल वोटिंग स्टेशन जो रहे हैं। तो कुल मिला के 2,365 पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग हैं। उसकी जो लेखा जोखा है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेबल है हमारे पास, ले लीजिएगा। मूवमेंट ऑफ पोलिंग पार्टी के लिए करीब करीब 400 के आसपास HRTC की बसों से आज हमारे लोग रहेंगे जो है इसमें डिप्लॉयड रहेंगी। करीब 4,750 के आसपास पुलिस पर्सनल्स की तैनाती है, बाहर से भी CAPF के जवान आए हैं, और करीब करीब 11,500 के आसपास पोलिंग पर्सनल्स जो हैं ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। इसके अलावा हेल्थ पर्सनल जो एंसिलरी स्टाफ है वो अलग है, वो भी करीबन 2,500 के आसपास पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग सुविधाएँ ये हैं प्रोवाइड कराएगा। तो मोटा मोटा आप मान के चलें कि करीब करीब 18,500 से 19,000 लोग जो हैं इस पूरी इलेक्शन प्रक्रिया को स्वरूप देंगे। कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वाइज जो हैं अपने अपने जिलों में सबने स्थापित करे थे, सबके सब मुस्तैद हैं। कुल मिला के हमारे पास 11 कंप्लेंट मैनुअली मतलब लोगों ने एप्लीकेशन के माध्यम से हमें दिया है या ऊपर से आई है, और 8 कंप्लेंटे सी विजिल पे हैं। इनमें से 2 जो कंप्लेंट्स हैं वो अभी अंडर प्रोसेस हैं, मतलब हमारी टेबल पे नहीं है, रिपोर्ट जो है फील्ड से इकट्ठी करी जा रही है, ऑलरेडी 2 बार डील हो चुकी हूँ। तो आज की स्थिति में सारी की सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो डिस्पोज्ड ऑफ की मतलब कैटेगरी में आती हैं, और जो भी ऊपर से आदेश किए जाएंगे उस हिसाब से उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी जी। इस बार जो है ई पेमेंट को लेकर काफ़ी कड़े निर्देश थे, तो जो भी पेमेंट इलेक्शन प्रोसेस की तरफ से की जा रही है वो अब की बार ई पेमेंट के माध्यम से करी जा रही है। दूसरा आपको जो अहम जानकारी हम दें कि इस बार वोटर्स को जो है वोट का बटन दबाने के लिए ग्लव्स की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि जो है अगर संक्रमण फैलने से बचाने के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। दूसरा जो है आपको जो सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइजर की सुविधा है वो भी वहां पर उपलब्ध रहेगी। जो हमारा पोलिंग स्टाफ है उसके पास सारे साजो सामान कोविड प्रोटोकॉल्स को निभाने के लिए सारे साजो सामान उपलब्ध रहेंगे। लास्ट का एक घंटा, मैं दोबारा आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लास्ट का एक घंटा कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर वोट डालना चाहता है तो उसके लिए रखा गया है, और वहाँ पर जो सारी किट्स प्रोवाइड करी गई हैं उनको जो है सुगम तरीके से जो है वोट करवाने के लिए। दूसरा आप लोगों के माध्यम से हम जो है चाहेंगे कि जैसे लेबर डिपार्टमेंट ने जो है 30 तारीख का जो दिन है वो पेड हॉलीडे घोषित करा है,
सभी व्यापार मंडलों को, सभी जो हैं दैनिक कर्मचारी को जो भी इम्प्लॉय करते हैं, फैक्ट्रीज हो गई, जो भी प्राइवेट जो एम्प्लॉयज दे रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, उन सबको आज हमारी तरफ से ऑर्डर इशू हो जाएंगे और आप सबको भी प्रोवाइड हो जाएंगे कि 30 तारीख को वुड बी अ पेड हॉलीडे और इसमें जो है मतदान के अंदर कोई भी मतलब व्यवधान ना आए, इसलिए जो है ये भी ऑर्डर आज इशू हो जाएंगे कुछ लोगों का। मतलब वैसे तो सब डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने अलग अलग ऑर्डर कर दिए हैं, बट एज अ आर ओ रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज जो है इनके ऑर्डर हमारी तरफ से भी प्रेषित कर दिए जाएंगे। मोटा मोटा क्या बच्चा जी आपका पेड हॉलीडे भी हो गई, बिल्कुल जी। तो ठीक है जी, आप सबसे उम्मीद रहेगी कि बढ़िया आप प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मोबिलाइज हों, हैं? नहीं स्वीप का करें, स्वीप का तो कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट और मतदान करने आए और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब की बार ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ताकि जो है मे द बेस्ट मैन विमेन कैंडिडेट विन। और हमारी तरफ से इतना ही, और कुछ आपके सवाल होंगे तो मतदान वाले दिन क्या शहर की दुकानें बंद रहेंगी? अच्छा हाँ, दूसरा इम्पोर्टेंट, जो कल को ऑर्डर कर दिए गए हैं, जो शहर के जो शराब के जो ठेके हैं, वेंड्स जो हैं, वो 28 से 30 तक बंद रहेंगे और 2 तारीख को काउंटिंग के लिए बंद रहेंगे। सभी के सभी के पूरे जिले के। हाँ तो मतलब सबने अपना इंतजाम कर लिया होना चाहिए। हाँ जी, शॉप्स वो लेबर डिपार्टमेंट का आ गया है नोटिस, आ गया है 30 तारीख की पेड होल्डे रहेगी, बंद रहेंगे वो जो ना मतदान। 30 तारीख को 5 बजे के बाद तो हो जाएंगे? नहीं, हमारी तरफ से पूरा दिन रहेगा, क्योंकि मतदान वैसे तो 5 बजे का होता है, परंतु अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर लास्ट के घंटे में ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो उन्हें सबको गेट बंद करने से पहले उन्हें पर्चियां देता है 1-2 लेकर, जहां तक लाइन खड़ी होगी, और वो सबकी वोट जब तक खत्म नहीं आती तब तक पोलिंग स्टेशन बंद नहीं होता है। तो 5 बजे तक सिर्फ एक जो है औपचारिक वो नोटिफिकेशन होती है कि 5 बजे हमने अपने गेट बंद कर देने हैं, पर मतदान प्रक्रिया लंबी भी चल सकती है अगर वहां पोलिंग स्टेशन पर खड़े हों। तो हमारी तरफ से ECI के जो निर्देशों का पालन करने के लिए रहेगा वो रहेगा कि एक दिन का जो पेड हॉलीडे जो लेबर डिपार्टमेंट ने भी नोटिफाई कर दिया, हम सिर्फ उसे ही अग्रेसित करेंगे आप लोग। सर प्रेजेंट में कितने स्नो बॉन्ड एरिए है और कितने मतदान केंद्र हैं जो इसमें जहां बर्फबारी हो चुकी है, वहां क्या तैयारियां? जो बर्फबारी वाले जो क्षेत्र हैं आपके कुल्लू और लाहौल स्पीति वाले एरिया हैं, मंडी के अंदर तो अभी तक कोई भी स्नो बाउंड वाला नहीं है, जो छुटपुट पड़ी भी थी वो भी मतलब अभी तो हट गई है, और पूरी तैयारियां हैं वहां पर। आपका जो है स्पेशल जो टायरों के अंदर जंजीरों तक की भी अब की बार वहां पर कर ली गई है, जो लास्ट हमारी VC हुई थी CO साहब के साथ, तो मैं DC साहब की नीरज जी की बात सुन रहा था, तो वहां पर मतलब लास्ट माइन्यूट डिटेल तक उन्होंने प्लान करे हैं, और जितने भी उनके स्नो बाउंड एरिया हैं, वैसे हट भी रही है कईयों पे बर्फ अभी, तो जैसे ताशीगंग सबसे हाईएस्ट होगा, तो उसे अब की बार मॉडल जो है पोलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, और वहां पर लोग जो है रंग बिरंगे अपने परिधानों में जो ट्रेडिशनल जो है वहां के कपड़े होते हैं उन्हें पहन के वहां पर वोट देने आएंगे। तो यहां भी ऐसे ही हर जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2 मॉडल आपके बूथ रहेंगे, और वहां पर जो है उचित जो काफी हाई ग्रेड की जो व्यवस्थाएं रखी जाती हैं वो रहेंगी वहां पर। पोलिंग पार्टी के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग तो नहीं हो रहा? अभी तक तो कोई जरूरत नहीं बताई गई है, पर अगर चाहिए भी होगा लास्ट मिनट के अंदर, अगर मौसम करवट बदलता है और चाहिए भी होगा तो कर दिया जाएगा। सर काउंटिंग को लेकर क्या रहेगा? काउंटिंग अब की बार जो है हमारा इसका वैसे नोटिस हमने सारी पार्टियों को कर दिया है, ये आप लोगों को भी हम दे देते हैं। तो 2 चीजों को मैं जानकारी देता हूँ यहाँ पर, एक होती है काउंटिंग और जो है वोटिंग के जस्ट बाद एक होता है 17 जो हमारा 17C का जो है ये स्क्रूटनी तुरंत ही, तो उसकी स्क्रूटनी का भी हमने नोटिफिकेशन दे दिया है कि जहां जहां जनरल ऑब्जर्वर्स बैठेंगे वहां पर सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 5 कैटेगरीज में पड़ने वाले जो पोलिंग बूथ होते हैं वहां, तो उसमें ऐसे किया जाता है जहां पे कम वोटिंग हो गई, जहां पे ज्यादा वोटिंग हो गई, इस प्रकार की गाइडलाइंस है, उनके अंदर अगर कुछ होता है तो उन फॉर्म्स की स्क्रूटनी पहले करी जाती है पोलिंग के अगले दिन। तो एक नोटिफिकेशन उनकी है, तो जहां पर जो हमारे जो ऑब्जर्वर साहब हैं वो यहीं पर जो है मंडी के अंदर ही हम बैठकर उनकी स्क्रूटनी करेंगे। पिछले जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर 29 ऐसे पोलिंग स्टेशन निकले थे जिनकी फॉर्मों की स्क्रूटनी करनी पड़ी थी, और ये 100% होती है, उसकी मैंडेटरी है। और दूसरा काउंटिंग हमारे जो है लोकेशन 4 रहेंगी,
एक आपका आईटीआई के अंदर हमारी जो कुर्सी लगेगी आरओ टेबल, क्योंकि पोस्टल बैलेट हम आईटीआई में जो है काउंट करेंगे, तो हमारी कुर्सी और ऑब्जर्वर साहब की कुर्सी वहीं लगेगी। दूसरा जो आपका दो हमारे काउंटिंग सेंटर रहेंगे अपने डिग्री कॉलेज में, चार रहेंगे सुंदरनगर में और दो रहेंगे आपके जोगिंदर नगर और पद्दर वाले जोगिंदर नगर के अंदर। तो इनकी डिटेल्स किस फ्लोर, मतलब फ्लोर पे और कमरे वाइज है ये हम आपको मतलब दे देते हैं, और इतनी लोकेशनों पर यहाँ पर मतलब मंडी के हम बता रहे हैं, बाकी सब ने अपने अपने जिलों में अपने अपने डीओज ने ऑर्डर कर दिए हैं उसके अंदर। हाँ ईवीएम मशीन मैं आपको मैं जो हमारी रैंडमाइजेशन हुई है आपकी बार 130% पे हमने रखा है, मतलब मिनिमम 130% के ऊपर करी गई है, तो 2365 हमारे पास ये सेंटर है उसका 130% है। ये जो इसमें भी मैं आपको बताऊं जो सीयू यूनिट है कंट्रोल यूनिट जो है हम पे 137% है। जैसे मंडी मंडी की बात करें तो कंट्रोल यूनिट 1686 है, बैलेट यूनिट 1686 है, वीवीपैट 1613 है, 131% पे मिनिमम हमने 130% आपकी बार रखा था। एक्स्ट्रा सीयू और बीयू जो हमने ट्रेनिंग के लिए दी थी वो भी हमने जो है करीब 73 मशीनें हैं वो भी हमने वापस करके बटवा दी हैं, तो पर्याप्त मात्रा में है। मौसम अच्छा है तो जनरली जो माइनर टेक्निकल एरर्स भी मशीनों के अंदर आते थे कि पेपर फंस गया या कहीं मॉइस्चर रहता है तो वीवीपैट के अंदर देखा जाता था, तो इस प्रकार की कोई मतलब अब की बार उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ एरर वेरर का फेस करेंगे, और साजो सामान वेल विद इन मतलब हमारे पास परसेंटेज में है हमारे। ठीक है जी, हाँ जी, क्या चीज 76 और 23 अपने जिले के तो उतना ही है, 76 और 23 है ना, कितना है जी 76 या 26 टोटल पीसी के, चलो इन्होंने डेटा जोड़ लिया 36 क्रिटिकल है, 184 वल्नरेबल है, ठीक है ना, अपने जो बताए उतने ही थे हमारे मंडी जिले के उतने, ठीक है। दो शिकायतें थी, एक द्रंग के विधायक और मुख्यमंत्री को, वो ही हमने बताया कि वो तो हाँ उनके हमने जो है एमसीएमसी जो सचिन जी हेड कर रहे हैं हमारी, उनसे हमने रिपोर्ट लेकर ऊपर भेजी थी, उन्होंने वापस हमें पत्र लिखा है कि उन्होंने कहीं प्रचार वगैरह तो नहीं करा, तो उसकी फील्ड जो है हमारी सारी 17 की 17 एसी से हमने मंगाया है उनका, और इनके ऊपर जो है इनके कमेंट्स मांगकर हमने जो है ऊपर भेज दिया है, तो वो इसलिए डिस्पोजल में हमने डाल दिया, ऊपर से जो आदेश करेंगे हम एक्शन ले लेंगे। ठीक है जी, डिक्लेरेशन आईटीआई से होगी आपकी? हाँ, जहाँ हमारी कुर्सी है वहीं आना पड़ेगा। तो वहीं पे मीडिया सेंटर भी बन रहा है, ठीक है ना, कंपाइलेशन कंपाइलेशन और एक एलईडी वैलिडी का प्रावधान कर देंगे, वहीं एंट्री होती रहेगी डेटा की, राउंड वाइज डेटा आपको वहीं से कंपाइल करके मिलता रहेगा, ठीक है ना, पटाखे जोड़ने में पहले पहला बूथ भी बनते थे, इस बार भी है मॉडल बूथ बने हैं, बताया ना मैंने आपको, मॉडल हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहेगा। अब की बार कोशिश करी जा रही थी कि एक जो है पीडब्ल्यूडी सेंट्रिक हर जिले में एक बनाया जाए, कि मतलब उस बूथ को पीडब्ल्यूडी चलाया जाए, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं पे भी हमारी एक पार्टी फिट बैठती है उस हिसाब से तो एक बूथ हम पीडब्ल्यूडी संचालित भी बनाएंगे। ठीक है जी, ये आपने अभी तो बोल दिया कि प्रचार प्रसार करें, लेकिन आपकी तरफ से कितना प्रचार प्रसार किया? स्वीप एक्चुअली बाई इलेक्शन में वैसे भी वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफी कम रहता है, तो आप पूरे जिले में कितनी जगह पे आपकी तरफ से प्रचार प्रसार हुआ है? अब की बार जो है असेंबली कौन, एक सेकंड जी, मेरा जरा शिमला से चीफ सेक्रेटरी साहब का फोन आ गया, एक सेकंड। हेलो, हाँ।